गाइस वेलकम टू आवर चैनल इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोल्डरिंग आयरन स्टैंड, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी कम टाइम में 10 रुपये के अंदर आपका बन जाएगा। और इस वीडियो का कंप्लीट देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे एक मोटा वायर, जो कि फ्रेंड्स आपको जल्दी मिल जाएगा, मतलब मजबूत होना चाहिए। और इसके एक साइड में हमने एक लूप बनाया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और इसके बाद हम इसके मदद से इसको एक शेप देंगे, स्पाइरल शेप, स्प्रिंग टाइप शेप देंगे हम। प्लास्टर वाला इसे पार के हम इसे स्प्रिंग टाइप शेप देंगे। और फ्रेंड्स आपको जो इसी अभी ध्यान से करना है, और उससे पहले आपको यहाँ पे मैं इसे थोड़ा राइट एंगल थोड़ा मोड़ना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस सबसे मैंने इसको मोड़ा है और इसे अभी हमें इसके सपे में रखना है, और इसको यहाँ पर पकड़ के इसे जहाँ तक हो सके मुझे लेके जाना है लंबा उसके। और इसके बीच में भी आपको थोड़ी गैप रखनी है, ठीक है, थोड़ी सी गैप रखनी है आपको इसके बीच में। इसे देख सकते हो इस सबसे मैंने इसके उसको गैप रख के, ज़्यादा पास पास नहीं होना चाहिए वरना ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और सिर्फ दूर दूर हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक लेंगे एक सीली होल्डर, उसके बाद उसके बीच में होल किया जिसके अंदर में इस तरह से नट फंसा दिया है। तो उस नट के अंदर हम इसको इस तरह से डाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद इसे हमें अच्छे से टाइट करना है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका ये ढीला बैठ रहा है तो आप इस पर थोड़ी सी फेविक्विक डाल दीजिए ताकि ये मज़बूत हो जाए। और ये जो है यहाँ पे बिल्कुल मज़बूत होना चाहिए, बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, वरना जब आप इसमें सोल्डरिंग आयरन रखोगे ये जो खुल जाएगा। और दोस्तों साथ ही वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही पास में साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इसके बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये हमारे यहाँ पर अच्छे से टाइट हो चुका है, और दोस्तों हमें क्या ये वर्क में रेडी है, लेकिन हम इसको एक और फीचर लगाएंगे, जो कि फ्रेंड्स अगर हम मार्केट से तो एक सैंड पेपर आपको लेना है। यहाँ पे सैंड पेपर आपको इजीली मिल जाएगा, जहाँ पे हार्डवेयर की शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। तो हम इसके एक साइड में इस तरह से इसको लगाएंगे थोड़ा टुकड़ा कट करके, तो ये जो है आराम से तेज़ी से कट जाता है, काफ़ी इतना सख्त नहीं होता है ये। तो हम इस तरह से इस तरह से टुकड़ा मैंने कट किया है, और इस टुकड़े को हम क्या करेंगे यहाँ पे फेविक की मदद से यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। आप ग्लू गन का फेविकॉल का इस्तेमाल मत करना, डिफेंस को चिपकी भी नहीं यहाँ पे, आपको यहाँ पे फेविक का इस्तेमाल करना है। और फेविक तो आपको पता ही है फिजिक क्या होती है, वो तो आपको इजीली मिल जाएगी। इस तरह से आपको फेविक लेनी है, और फेविक आपको इसमें अच्छे से डालनी है, कंजूसी नहीं करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अच्छे से फेविक को डालना है यहाँ पर, और देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा फेक थोड़ा सा खत्म होने को आया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको चिपका दिया अच्छे से, तो ये हमारा है। तो अभी वो यहाँ पे हम डालते हैं, और देख सकते हो काफ़ी आ रहा है। और इसको अगर आपको लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। बाय दोस्तों, बाय फ्रेंड्स।